गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लिंग सहलिंग लक्षणों की वंशागत की चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने डीएनए की रचना की चर्चा की थी। गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बनी सूत्राकार रचना होती हैं, जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो द्विगुणित होती है वो 46 होती है। 46 गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं, हालांकि जो अंडाणु और शुक्राणु हैं इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, अगुणित संख्या 23 होती है। गुणसूत्र के प्रकार अगर देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र 44 होते हैं, जो कि हमारे शरीर के तरह तरह के जो लक्षण हैं उन वो सारे कायिक गुणसूत्रों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। दो गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि कोई पुरुष होगा या स्त्री होगा, तो इन ये लिंग का निर्धारण करते हैं, पुरुष या स्त्री का निर्धारण करते हैं। तो इनको कहा जाता है हेटरोसोम या लिंग गुणसूत्र। ये दो तरह के क्योंकि होते हैं, यक्स और वाई। महिलाओं में यक्स यक्स गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष में यक्स और वाई होता है। इस तरह से 44 ऑटोसोम और 2 हेटरोसोम होते हैं। कुछ लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्र पर भी होते हैं। लिंग गुणसूत्रों पर जिन लक्षणों के जीन होते हैं उनको कहा जाता है, जिन लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्र पर होते हैं उनको कहा जाता है लिंग सहलग्न लक्षण। लिंग सहलग्न लक्षण दो तरह के हो सकते हैं। अगर यक्ष गुणसूत्र पर है तो इसको यक्ष सहलग्न लक्षण कहेंगे, वायु गुणसूत्र पर है तो वायु सहलग्न कहेंगे। यक्ष और वायु दोनों गुणसूत्रों पर अगर कोई लक्षण है तो उसको यक्ष और वायु सहलग्न लक्षण कहेंगे। इनकी जो वंशागति होती है वो मेंडल के नियमों के अनुसार ही होती है। यक्ष सहलग्न जो लक्षण होता है इसके उदाहरण वर्णांता और हीमोफीलिया मुख्य इसके उदाहरण। वायु सहलग्न लक्षण जो होता है इस लक्षण का उदाहरण हाइपर ट्राइकोसिस या कान पर लंबे बाल होना, इसको हाइपर ट्राइकोसिस कहा जाता है। तो वायु सहलग्न ये लक्षण है, वायु गुणसूत्र पर इसका लक्षण होता है। यक्ष वायु सहलग्न ऐसा लक्षण है जो यक्ष और वायु दोनों गुणसूत्र पर होता है। इसका उदाहरण है नेफ्राइटिस, ब्रक का एक रोग होता है नेफ्राइटिस। और दूसरा इसका उदाहरण है पूर्ण वर्णांता, पूरी तरह से रंगों की पहचान व्यक्ति नहीं करता उसको पूर्ण वर्णांता कहते हैं। अब दो सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों की चर्चा करते हैं, यह है वर्णांता और हीमोफीलिया। वर्णांता का तात्पर्य है, वर्ण का मतलब होता है रंग, अंधता का मतलब अंधा होना, दिखाई न देना, रंग पहचान न कर पाना। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति वर्णांध कहलाते हैं, कलर ब्लाइंड कहलाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। और हीमोफीलिया ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति में खून का थक्का नहीं बनता है, कुछ ऐसी विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो व्यक्ति में अनुवांशिक कारणों से नहीं बन पाती है, जिससे उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता समय से और खून ज़्यादा बह जाता है, इसलिए इसको हीमोफीलिया या रक्तस्राव रोग या ब्लीडिंग डिजीज कहा जाता है। इसको सबसे पहले देखा गया था रानी विक्टोरिया के परिवार में इसको देखा गया था। तो इन दोनों लक्षणों की जो वंशागति होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, मेंडल के नियम के अनुसार जाते हैं। और इनकी वंशागति प्रभाविता के नियम के अनुसार ही होती है। यक्ष यक्ष इसको सामान्य स्त्री के तौर पर इसको हम दिखा सकते हैं, यक्ष यक्ष सामान्य स्त्री और यक्ष वाई सामान्य पुरुष, इन पर कोई लक्षण नहीं है। अगर यक्ष गुणसूत्र पर क्योंकि लक्षण होता है, यक्ष सहलग्न लक्षण है, तो इसको गोला बना के दिखा सकते हैं। एक गुणसूत्र पर तो इसको वाहक स्त्री कहेंगे, क्योंकि यक्ष सामान्य वाला ये प्रभावी लक्षण होता है, ये अप्रभावी लक्षण होता है वर्णांता हीमोफीलिया का। तो ऐसी स्त्रियाँ रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुँचाने का केवल काम करती हैं, इसलिए वाहक ले जाने वाली रोग को
स्त्री वाहक स्त्री कहलाती है। यक्ष यक्ष अगर दोनों पर रोग का लक्षण, तो इसको दोनों पर गोला बनाकर दिखाएंगे। रोगग्रस्त स्त्री, वर्णांध स्त्री या हीमोफिलिक है तो हीमोफिलिक कहेंगे। यक्ष वाई, एक यक्ष पे ही हो सकता है लक्षण, तो ऐसे पुरुष रोगग्रस्त पुरुष कहलाएंगे हीमोफिलिक। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको। अब जैसे कोई सवाल पूछ लिया गया कि सामान्य पुरुष वाहक स्त्री में वर्णांधता की वंशागति कैसे होती, कैसे इसको दर्शा सकते हैं, तो उसको हम जैसे कि प्रभाविता के नियम में दिखाए थे उस तरह से दिखा सकते हैं। उसी तरह से सामान्य पुरुष यक्ष वाई होता है, वाहक स्त्री पूछा गया, वाहक स्त्री तो इस वाहक स्त्री को यक्ष से दिखा सकते हैं। अब इनका जो पहली पीढ़ी में क्या होगा, इनकी संतानें कैसी होंगी, तो यक्ष वाई जो पुरुषों का यक्ष और वाई दिखा सकते हैं, महिलाओं का यक्ष यक्ष। अगर यक्ष यक्ष का संयोग होता तो ये वाहक पुत्री होगी, और अगर यक्ष वाई का होगा तो वर्णांध पुत्र होगा। यक्ष यक्ष का संयोग हो तो सामान्य पुत्री होगी, यक्ष यक्ष और वाई का होगा तो सामान्य पुत्र। इस तरह से 25% वाहक पुत्री, 25% सामान्य पुत्री, 25% वर्णांध पुत्र और 25% सामान्य पुत्र होंगे। इस तरह से वंशागति होती है, लिंग सहगन वंशागति इसको कहा जाता है।